हेलो एंड वेलकम एंड ऑल मेहमान, आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया सेलेब टॉक शो में। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, मतलब एक तो मेरा दोस्त है, बहुत पुराना बचपन से फ्रेंड है मेरा, भुवन सिंह, जिसको हम आज तक प्रतीक बोलते आए थे। एक है सुष्मिता और अनुराग, वैसे मैंने बहुत नाम सुना है। छोटी सी उम्र में कई फिल्म बनाई आपने, दो तीन जो अमेजोन पर रिलीज हो चुकी है, और नई फिल्म आ रही है ड्रीम्स। सबसे पहला सवाल अनुराग आपसे कि ड्रीम्स में सेवन क्या कर रहा है? तो बेसिकली सेवन का एक मीनिंग है, सेवन रिप्रेजेंट्स द सेवन स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दैट वी आर डीलिंग इन द फिल्म, एंड ऑल्सो द सेवन ड्रीम्स दैट हैज बीन पोर्ट्रेड इन द फिल्म। तो ये सेवन का एक स्पेशल मीनिंग है इसलिए। अच्छा सुष्मिता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप ये फिल्म कर रहे थे, जब आपको पता लगा कि यू आर इन दिस फिल्म, तो कैसा लगा और क्या हलचल थी और क्या सोचा था कि स्टोरी क्या होगी और कैसा रहा सब कुछ? पहले लाइक स्टोरी प्लॉट पहले नहीं मिलती, तो वी वर लाइक, मतलब मेरे को खुद को बहुत एक्साइटमेंट थी, ये मेरी फर्स्ट मूवी है। सो एंड देन जब मेरे को कैरेक्टर के बारे में पता चला तो बहुत एक्साइटमेंट एंड लाइक क्यूरियोसिटी टाइप का। अच्छा भुवन, तुमने पहले भी काम किया हुआ है, क्योंकि एक झूम मूवी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, उसमें भी आपने काम किया हुआ है, छोटा सा काम किया हुआ है, लेकिन अभी एक फिल्म में आप बड़े भाई का किरदार निभा रहे हो, तो कैसी रही पूरी जर्नी? जर्नी में बहुत मजा आया, मतलब पहले भी एक्टिंग की है लेकिन कैमरा के सामने इतने देर तक एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था, बहुत मजा आया। आपने छोटे भाई का किरदार निभाया या बड़े भाई का? छोटे भाई का। और सारी मूवी आपके अराउंड घूमती है, ठीक है, आपके ड्रीम्स होते हैं, तो ये क्या है, सपनों की स्टोरी क्या है? सो बेसिकली स्टोरी अभी यही है कि जो हमारी कैरेक्टर है बुलबुल, इन्होंने बुलबुल का कैरेक्टर प्ले किया है, तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड उस एक्सीडेंट की वजह से बेसिकली सांझ अपने ऊपर ले लेता है सब कुछ कि मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, एंड इसकी वजह से वो ग्रीफ में चले जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ही स्टार्ट सीइंग अ गर्ल इन हिज ड्रीम्स, दैट इज नॉट हर। आई हैव हर्ड थियोरीज दैट पीपल आर मेकिंग थियोरीज दैट दिस इज द गर्ल दैट, बट दैट इज टोटली नॉट हर। सो बेसिकली सांस सबकॉन्शियसनेस माइंड, जो माइंड होता है उसका, वो एक रूप ले लेता है, एंड उस रूप में एक पर्सन के रूप में वो उसे सेवन स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से लेके जाता है, एक लड़की के रूप में। मतलब एक ख्वाब में सब कुछ हो रहा है, एक सपने में सब कुछ हो रहा है? नहीं, हर अलग दिन एक सपना आता है, एंड हर सपने के साथ एक एक स्टेज जुड़ा होता है ग्रीफ से। ओके, तो क्या वो सपना रियलिटी में कभी ना कभी पूरा होता है या दिखता होते हुए? ये तो आपको मूवी में देखना पड़ेगा, ये तो हम नहीं बता सकते। मैंने कोशिश किया डायरेक्टर के मुंह से सच निकालने के लिए लेकिन नाकामयाब रहा। कोई बात नहीं, आप देखना ना भूलिए, क्योंकि 21 तारीख को रिलीज हो रही है ड्रीम्स मूवी। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले तो आपने किरदार निभाया हुआ है, फिर आपने भाई को भी संभालते हो, तो पिक्चर में असली विलन कौन दिखता है, कौन रहता है असली विलन? वो मूवी देखना पड़ेगा। इसमें भी आप बड़ा भाई हूं मैं, कमी नहीं था। हम इस गाली को बीप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सपनों के ऊपर, ऐसा कोई सपना जो आप कभी नहीं देखना चाहते हो? ऐसा कोई सपना, वैसे तो मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे सपनों से बेनिफिट ही होगा हमेशा। मैं एग्जैक्टली, हाँ एक्चुअली डायरेक्टर इज अ राइटर, सो इन अ वे, सो मुझे काफ़ी लिखने में हेल्प होती है, किसी भी तरीके का बुरा सपना हो या अच्छा सपना हो। So, yeah, that is beneficial. ये होता है असली बिजनेसमैन, हर बात में अपना एडवांटेज ढूंढ ही लेता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कोई ऐसा सपना है जो आप कभी नहीं देखना चाहते? यही सपना मैं कभी नहीं देखना चाहती, जो लाइक ये ड्रीम्स हमारी मूवी का जो सपने है, लाइक सपने जो हो रहे हैं, ग्रीफ। ओह माय गॉड, या भुवन, ऐसा कौन सा सपना जो आप नहीं देखना चाहते, जो आपको नहीं पसंद है? तो सारे सपने देखना चाहता हूं जिसमें लड़ना हो, हर तरीके के सपने देखना चाहता। ऐसा कोई सपना जिस जो सोचे कि यार ये सपना जिंदगी में नहीं चाहिए? ऐसा सपना यार कभी सोचा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं चाहूंगा कि अगर कोई सपना ना देखना हो, तो मैं अपने मॉम से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मॉम से रिलेटेड कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी छोटा सा भी बुरा सपना भी नहीं देखना। क्या बात है। पूरी फिल्म के दौरान जब आपने ये स्टोरी लिखी, क्योंकि ख्वाबों के ऊपर स्टोरी लिखना और उसको एक रियलिटी में पिक्चर के थ्रू उतारना, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा? वैसे अगर आप मेरी पुरानी मूवीज़ भी देखेंगे, हमारी मूवीज़ काफ़ी इंडिपेंडेंटली बनी रहती है, क्योंकि ये कमर्शियल बिल्कुल नहीं होती है, इसकी कहानी बिल्कुल हटके होती है, जो आपको नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं दिखेगा, नॉर्मल लव स्टोरी, लड़का लड़की एंड ऑल, हमारा कुछ अलग ही रहता है। सो लिख, मेरा दिमाग तो एक तो अलग ही चलता है, इसलिए ऐसी कहानियाँ मैं लिखता हूँ। सो कम से कम एक दो महीने का तो टाइम लगता ही है सोचने में, पहले 7 घंटे बैठना पड़ता है कोरे कागज़ के सामने कि सोचते हुए कि क्या हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड लोगों को एंटरटेन करके रखना एक जगह पे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो डिफिकल्टीज तो होती है, बट
उसी से अनुराग बहुत यंग एज है, इस उम्र में लोग थोड़ा मस्ती करते हैं, फन करते हैं, लेकिन आपकी एज क्या, मैं जानना चाहता हूँ, एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जस्ट 20 का हुआ। आप जस्ट 20 के हुए, जहाँ आपकी दो फिल्म ऑलरेडी आ चुकी है और ये आपकी थर्ड फिल्म है जिसमें आप डायरेक्टर भी हो और आपने इस फिल्म में काम भी किया हुआ है सिर्फ 20 साल की उम्र में। ये कैसे ख्याल आया कि यार डायरेक्टर भी बनना है, एक्टर भी बनना है, क्या पैसों की कमी थी? जोकिंग, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे। देखिए, कोई भी एक साथ इतना सब करना नहीं चाहता है, पर हर फिल्म मेकर जो ये देख रहा होगा वो मुझसे रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म में सब कुछ करना ही पड़ता है डायरेक्टर को, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के गाने जो हैं, उन गानों को मैंने ही लिरिक्स लिखे हैं उसके। क्या बात है, मतलब आपने सबका पैसा खा लिया। अब ये भी बोल सकते हैं कि पैसा बचाने के लिए। पर एक बात ये है कि आई ऐसे बाकियों को भी लगता है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ ये चीज, बट आई फील आई हैव द टैलेंट फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे कि मैं गा बिल्कुल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं सिंगर्स लेता हूँ अपने मूवी के लिए। जो चीज़ें हैं जो मैं नहीं, वाकई में नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं हायर करता हूँ लोगों को, बट जो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं करूँगा तो काफ़ी अच्छा आएगा, अच्छा है। वो चीज़ें मैं करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मूवी के गाने रिलीज हो चुके हैं, कहाँ पर रिलीज हुए, एक बार आप प्लीज दर्शकों को बताएं। इस मूवी के गाने हर प्लेटफॉर्म, हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक से लेके यूट्यूब म्यूजिक, सब जगह अवेलेबल है। इसके म्यूजिक वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर देखना चाहें तो सब वहाँ जाके देख सकते हैं। आपका स्पेशली कौन सा गाना फेवरेट है? मेरा वैसे तो तीनों गाने जो मूवी के हैं काफ़ी अच्छे हैं, बट मेरा फेवरेट एंड बहुत लोगों का फेवरेट क्षमा की रजामंदी है। So that is also the dream too of our film. Yeah. आपने पूरा segment ही अपने dreams के ऊपर रखा हुआ है। भुवन, तुम्हें कितना मजा आया इस picture की shooting के दौरान, क्योंकि ये तुम्हारा first time था जो इतना देर आप camera के सामने थे। अभी तक आप theater artist के किरदार में हमेशा में दिखे हो, हमने आपके बहुत सारे plays भी देखे हैं अलग अलग hall में, तो इस बार आपको कितना मजा आया एक camera के सामने लंबे समय तक काम करते हो? मज़ा तो बहुत आया और पूरे टाइम मस्ती मैंने बहुत की। मतलब जहाँ रोल खत्म हुआ साइड में आके कोई और काम कर रहा है तो उसे पूरे टाइम मैंने ही छेड़ा है, बहुत मजे। तो ये शेड्यूल का टाइम जो बड़ा है वो इसकी वजह से बड़ा है। बेसिकली काम खत्म होता था, भुवन सर हमारे पूल में कूद जाते थे। ये होता सबसे ज्यादा सेट पे परेशान किसने किया, आपको सबसे ज्यादा परेशान किसने किया, डायरेक्टर ने जो कि एक्टर भी है या इस एक्टर ने? सबको इसी ने परेशान किया हुआ है। सबसे बुरी बात जो आपको भुवन की लगती हो, सबसे बुरी बात? ऐसा बुरी बात कोई नहीं लगती, मस्ती खोर है। अच्छा, हम उसको दूसरे खोर में ले लेंगे। आपके हिसाब से कि भुवन की सबसे बुरी बात? हाँ, एक बात है, भुवन टाइम सेट पे कभी भी टाइम पे भुवन नहीं आता, एक घंटे या दो घंटे का डिले हमेशा रहता है। तो सेट पे हमेशा खूबसूरत लड़कियां रखो, भुवन टाइम से पहले पहुंचेगा। ये मेरी गारंटी है। भुवन, अगर आपको डायरेक्टर की कोई बात पसंद ना हो तो कौन सी बात है? मैं झगड़े लगा दूंगा, क्योंकि सास भी कोई बोलती है मुझे फिर से काम करना है। मैं ही वो कोमलिका। आप बताइए कि आपको डायरेक्टर की कौन सी बात बुरी लगी है? ऐसी कोई भी बात बुरी नहीं है, जितना टाइम मैंने काम किया है उस हिसाब से, मतलब हर चीज में ही इज पुट ऑन एवरी एफर्ट्स, तो मुझे तो कोई बुरी चीज। आपकी कोई और फिल्म भी आ रही है इसके लिए आपको बटर लगा रहे हैं। आपको कौन सी, इन दोनों डायरेक्टर की बात करते हैं, कौन सी बात बहुत बुरी लगी? सर की ऐसी कोई बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर, मैं बहुत नूब हूँ। हाँ। तो इन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है, एक्सप्रेशंस देना एंड ऑल सब। तो डायरेक्टर की कोई बुराई नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं से पेमेंट आने वाली है। अच्छा, ये जानना चाहता हूँ कि ये मूवी करते वक्त ऐसा कौन सा ख्याल था जो आप ये आपका पूरा ड्रीम है जो एक पेज में उतरा है, अब एक पूरे पिक्चर में दिखेगा और लोग उसको अपने सामने रखेंगे, ऐसा कौन सा ख्याल है जो आपको इस पिक्चर से बहुत कनेक्टेड रखता है? क्योंकि इंसान अपनी रियल लाइफ या किसी की लाइफ से इंस्पायर होकर ही कुछ लिखता है, या चाहे गाने हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो सीरियल हो, कुछ भी हो। सो बेसिकली मैंने दो तरीके की फिल्में बनाई हैं इससे पहले, एक कम्प्लीटली क्राइम फिक्शन थी एंड दूसरी फिल्म जो थी वो अगर हम बोल सकते हैं डिज्नी टाइप की थोड़ी सी फैंटेसी फिक्शन थी। मैं चाहता था कि इन दो फिल्मों को आपस में जोड़ूं मैं, एक तरीके की नहीं, काफ़ी मिली हुई मिक्स टाइप की मूवी बनाने की। सो दैट वाज माय द थिंग आई हैड इन माइंड, सो वही मैंने बस पेपर में उतार दिया किसी तरीके से। क्राइम फिक्शन से याद आया कि हमारा भी क्राइम फाइल्स एक सीरियल आ रहा है, तो देखना ना भूलिए, 18 तारीख को थर्ड एपिसोड रिलीज हो रहा है। और आपको बता दूं कि जितने भी इंसिडेंट, जितने भी ट्रू स्टोरी होती है जो इंसिडेंट हुआ है अब तक पूरे इंडिया में, उसको एक
स्टोरी के बेस पर आपको दिखाते हैं और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। देखना ना भूलिए, मैं सोचा था कि अपने शो का भी प्रमोशन कर लूँ क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा सकता उसमें मैं ही होस्ट हूँ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। इसी के साथ भुवन, जब ये मूवी कर रहे थे, क्योंकि अब तक आप थिएटर वाले प्ले करते थे, हमेशा ऐसा बोला जाता है, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, मुझे नहीं पता, कि थिएटर आर्टिस्ट को एक कैमरे के सामने बहुत टफ जाता है। भाई वो किरदार बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो थिएटर में हमेशा लाउड होता है और कैमरे के सामने थोड़ा सा लाउड नहीं होना पड़ता क्योंकि वहाँ माइक लगे होते हैं। तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तुम्हें बस कंट्रोल होना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं था, बट थोड़ा एक आई हैव टू कीप इन माई माइंड कि कैमरा है तो मुझे वैसे एक्टिंग करना। कोई भी वैसे सबसे ज्यादा रीटेक भी मैंने ही लिया। अच्छा, कोई भी पिक्चर का एक डालो आपकी ये ड्रीम्स का। ओके, तो कंपनी मेरी है, डिसीजन भी मेरे ही होंगे। हाय हाय, कंपनी का नाम क्या था? मैं जानना चाहता हूँ कंपनी का नाम क्या है। मैं नहीं बताऊँ, मूवी देखो सारी चीजें पता पड़ेगी आपको। कोई भी एक डालो मेरी पिक्चर का। मैं तुम सही थी संध्या, जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, बट देयर इज नथिंग वी कैन डू। अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ खास डायलॉग याद आ नहीं रहा है। चलेगा चलेगा, लेकिन मजा आ रहा है। आपका कोई डायलॉग जो तब तक इन दोनों के जब तक चल रहा था मैंने सोच लिया। लड़कियां तेज होती है क्योंकि ये बॉर्नविटा पीती है। सॉरी, बॉर्नविटा की फ्री में ऐड नहीं करेंगे हम। आगे, सो व्हाई डिड यू किल मी सो, मेरे तो मर ही जाते तो मेरा यही डायलॉग। बस इतना ही है। बहुत ज्यादा सोच लिया इन्होंने। चलिए ठीक है, जाते थे। आप नागपुर के दर्शकों से, विदर्भ के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे कि मूवी के लिए? पहले आपसे कहना बस ये चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक मूवी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो आई वांट एवरीवन कि मुझे सबका सपोर्ट मिले इसके लिए, क्योंकि हम हर जगह सपोर्ट मांगते हैं बट यूजुअली मिलता नहीं है, क्योंकि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कमर्शियल फिल्म्स एंड स्टारकास्ट, बट हमारे सारे इंडिपेंडेंट एक्टर्स एंड फ्रेशर्स को हमने कास्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सो आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू सपोर्ट अस in any way by watching our film or by streaming our music on platforms, all of the things. Yeah, continuing his statement, like main fresher hu and inhone mereko chance diya to like mistakes bhi hongi but maine apna 100% diya, to please go and watch that. मैं बोलूँगा सारे लोग नागपुर के थे, सारी locations नागपुर के आसपास की थी, और नागपुर में इतनी बड़ी मूवी बनाना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग ला रहे, तो हमारी सिटी के लिए आई नीड योर सपोर्ट, तो सारे लोग देखना, बिल्कुल देखना। क्या बात है, नागपुर के सारे लोग डेफिनेट देखेंगे। मैं कहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के लोग देखेंगे, क्योंकि एक 20 साल का लड़का जिसने अभी तक 2 फिल्म बनाया हुआ है और ये तीसरी फिल्म है, लोगों को भी चांस दे रहा है और खुद की काबिलियत दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, और आपको विश्वास रखना होगा ऐसे टैलेंटेड लोगों पर, तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे। मेहमान यहां से तो विदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। तब तक के देखते रहिए NBCN News, सच दिखाए बिना छुपाए।